Hello guys, it's Visarik from Eagle S Tech, and today I have brought you the MIUI 9.2.13.0 update. दोस्तों ये अपडेट फिर से दोबारा आया है. पहले तो जब ये आया था ओरियो के बाद आया था और जो नोगट वर्जन था, और अब यह है दोबारा. और इसी के बारे में हम करते हैं बात कि इस बार तो कहीं ये सस्पेंड नहीं होगा. तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे पकड़े मुद्दा. दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि अपडेट आ चुका है, मैं आपको चेक करवा देता हूं. तो दोस्तों अपडेट को चेक करने के लिए वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको ऊपर ही नोटिफिकेशन आ गई हो, जैसे कि मुझे आई है. आप देख सकते हैं 14 मिनट्स के टाइम के पहले मुझे आई थी अपडेटर ऐप की तरफ से नोटिफिकेशन. लास्ट वाली नोटिफिकेशन देखिए, वर्जन है जो 9.2.13.0 है, NEIMIE के. और अगर आपको मान लो नोटिफिकेशन नहीं है तो आप जाएँ सेटिंग्स पे और अबाउट डिवाइस सेक्शन में, फिर ऊपर होगा सिस्टम अपडेट, और एक खोल देगा आपका अपडेटर ऐप, जिसमें ये चेकिंग करने के बाद आपको दे देगा अपडेट अवेलेबल का जो ऑप्शन है. और इन्होंने इम्प्रूव किया है सिस्टम स्टेबिलिटी, ऑप्टिमाइज़ किया सिस्टम को, और किया है एंड्रॉयड वर्जन को डाउनग्रेड, जो कि है ओरियो से आता सीधा नोगट पे. तो वैसे तो गलत बात है, पर यार अगर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा दे तो कोई बात नहीं, ओरियो फिर भी थोड़ा लेट हो जाए तो कोई नहीं, बट स्टेबल डिवाइस तो होना चाहिए ना. बट यार फिर भी ये गलत बात है, क्योंकि ये अगर बग्स नहीं सॉल्व कर सकते ओरियो के तो ये क्या करेंगे, मतलब शाओमी वाले. मतलब यार बहुत बुरी बात है, इतने भी नहीं बग्स थे, सिर्फ कैमरा थी और स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट्स करनी थी, थोड़े बहुत मेजर बग्स थे, उनको नहीं आप ठीक कर सके, तो ये गलत बात है. और करें इसको अपडेट, अभी मैं नहीं कर रहा, मैंने आपको रीज़न बता देता हूँ. जी हाँ, अब जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि अपडेट आ चुके हैं, आप खुद भी जाके अपने डिवाइस के अपडेटर ऐप पे चेक कर सकते हैं कि अपडेट आ गया है. बट अभी मैं फिलहाल ये अपडेट डाउनलोड नहीं करूंगा, मैं रात तक रुकूंगा, क्योंकि हो सकता है आधे घंटे या एक घंटे बाद ये अपडेट दोबारा सस्पेंड हो जाए. तो अभी फिलहाल तो मैं अपडेट नहीं कर रहा. अगर ये अपडेट मान लो टिका रहा, सस्पेंड नहीं हुआ, तो मैं इसे जल्दी डाउनलोड करूंगा, इसको यूज करूंगा पूरी रात सिर्फ आपके लिए, और मैं इसको जितने भी इसके बग्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं उन सबकी एक डिटेल लिस्ट बना के एक न्यू वीडियो बनाऊंगा, और जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. तो तब तक आप करिए वेट, क्योंकि हो सकता है कि आपका इंटरनेट वेस्ट हो जाए, या तो अपडेट ही इतना घटिया हो, और या फिर जब आप अपडेट करके इसको अपडेट और रीबूट का बटन दबाएं, मतलब डाउनलोड करके अपडेट को, तो ये हो ही ना, मतलब इंस्टॉल ही ना हो अपडेट और एरर आ जाए. तो ये ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको ना आए. और इसकी स्टेबिलिटी का क्या हाल होंगे ये सब कुछ मैं आपको डिटेल वीडियो बना के बता दूंगा, और अभी मैं फिलहाल नहीं कर रहा डाउनलोड इसे, थोड़ा वेट करके इसे करते हैं एक दो घंटे की, ताकि अपडेट अगर सस्पेंड हुआ तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो तो चलो है ही है अभी मेरे पास फिलहाल, वो वेस्ट ना हो यार मेरा इंटरनेट. तो उसको थोड़ा बचाने के लिए मैं अभी अपडेट एक दो घंटे बाद डाउनलोड करूंगा, और आपको मैं बता दूंगा कि क्या प्रोसेस है, आपको अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर अपडेट अगर सस्पेंड भी होगा मैं फिर भी वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा क्या प्रॉब्लम्स आई हैं. अभी के लिए करते हैं थोड़ा वेट, और मेरी न्यू वीडियो का भी आप करिए वेट. और अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या है इस अपडेट के रिव्यूज और क्या है इसके प्रॉब्लम्स या बग्स अगर हुए या फिर ना हुए, तो उसके लिए आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, तो कर दीजिए. और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको आया पसंद तो लाइक और कमेंट कीजिए, और मत भूलिए सब्सक्राइब करना.